स्वागत है, मैं हूं डॉक्टर प्रभात। आज हम बात कर रहे हैं होलिका दहन और होलिका पूजन के साथ ही धुरंडी के पर्व के, लेकिन इस बार थोड़ा सा असमंजस इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम 6 और 7 की होलिका दहन और धुरंडी मानते हैं तो कुछ इलाके ऐसे भी है जहां पर 7 और 8 को लेकर ये तारीखों को लेकर असमंजस है। लेकिन ये असमंजस क्यों है और क्या ऐसा पहले भी होता रहा है, इसके लिए नक्षत्रीय गणना, नक्षत्रीय स्थिति, इसके लिए क्या कारण मानी जा सकती है। दूसरा, होलिका पूजन को लेकर लोगों में बड़ा संशय है। लोग चाहते हैं कि इस होलिका पूजन से उनके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, परिवार में खुशहाली हो, और कोरोना के बाद से लोग चाहते हैं स्वास्थ्य को लेकर भी अपने आप को वो तंदुरुस्त रखें, अपने परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना करें। होलिका पूजन का कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वो अपने घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को लेकर अपनी कामना को पूरा कर सकते हैं। बात करेंगे इसी विषय पर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से आचार्य डीबी शास्त्री जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री जी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ेंगे। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, दो इस बार कारण तारीखें नजर आ रही हैं, 6 और 7 और 7 और 8। कारण क्या है और दोनों तारीखें क्या सही हैं या फिर इनमें से एक सही है, और अगर दोनों सही हैं तो किस तरीके से सही है, राजस्थान के मायने में इसे कैसे किस तारीख को फाइनल माना जाए? देखिए, राजस्थान सहित कई राज्यों में फाल्गुन शुक्ल प्रदोष व्यापनी चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा के दिन 6 मार्च को होलिका दहन हो रहा है और अगले दिन 7 मार्च को रंगों का त्योहार यानी धुलंडी रहेगी या फिर होली खेली जाएगी। वहीं भारत के पूर्वी राज्यों में होलिका दहन 7 मार्च को हो रहा है, वहां 8 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जा रहा है। देश में 2 दिन होलिका दहन इस बार होने जा रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि देखिए, राज्य के प्रमुख शहरों में दहन का जो समय है, जैसे हम जयपुर की बात करें, जयपुर कोटा की, तो शाम 6:26 से 6:38 तक ये समय रहता है। जोधपुर की बात करें तो 6:39 से और 6:51 के बीच 6 तारीख के दिन 6 मार्च को होलिका दहन रहेगा। उदयपुर में बात करें तो 6:36 से लेकर 6:48 और अजमेर की बात करें 6:31 से 6:43 और श्री गंगानगर की बात करें तो 6:33 से और 6:45 रहेगा। इन राज्यों में 6 मार्च को होली का दहन हो रहा है। पूरे राजस्थान में 6 मार्च को होली का दहन रहेगा। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी और आपने तमिलनाडु वगैरह, केरल सहित अधिकांश भारत में 6 मार्च को ही होलिका दहन हो रहा है और 7 मार्च को धुलंडी रहेगी। अब डॉक्टर साहब, यहाँ इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि देखिए, इस बार 6 मार्च के दिन पूर्णिमा 4:18 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी 7 मार्च को शाम 6:10 तक पूर्णमासी रहेगी। अब वही हम बात करें तो होली के दहन में हम भद्रा को बहुत निषिद्ध मानते हैं। भद्रा रहित होली का दहन होना शास्त्रोक्त होता है। भद्रा भी 4:18 से प्रारंभ होकर के और निश्चित काल यानी दूसरे दिन 5:14 तक रहेगी यानी 7 तारीख को। जब भद्रा, हमारा धर्म शास्त्र और निर्णय सिंधु कहता है कि जब भद्रा निश्चित काल यानी अर्धरात्रि के बाद तक चली जाती है तो फिर होली का दहन आप भद्रा की पुच्छ काल में या फिर प्रदोष काल में दहन करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। अब चूंकि प्रदोष काल हमें दूसरे दिन नहीं प्राप्त हो रहा है, 6 तारीख के दिन प्राप्त हो रहा है, इसलिए होली का दहन तो संपूर्ण राजस्थान में और भारत के बहुत सारे प्रदेशों में 6 तारीख को ही रहेगा। और बड़ी स्पष्ट बात है कि 6 तारीख के दिन होली का दहन रहेगा। और ये बात भी सही है कि होली खेलने वाला जो है वो 7 तारीख के दिन यानी धुरंधर रहेगा। जी। चलिए, आप हमारे साथ विनोद शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री साहब, आपने मोबाइल को अगर आप रोटेट कर पाए तो आपका पूरा वीडियो हम तक पहुंच पाएगा। जी हाँ, रोटेशन ऑन कर लीजिए। बिल्कुल सही, अब आपका हमारा पूरा वीडियो आपका हम तक पहुंच पा रहा है। एक ये होली का पूजन जो होता है, उससे पहले होली का जो डंडा जो रोपना बोलते हैं, हमारी स्थानीय भाषा में बोलते हैं होली का डंडा रोपना, जो लाइफ स्टाइल है गांवों में और जो कस्बाई इलाके हैं वहां पर, तो पूरे मुहूर्त के साथ और जो वक्त होता है, सही वक्त होता है, उस वक्त चौराहे पर इसको रोपा जाता है और वहां पर
जो समय होता है और तारीख और जो मुहूर्त होता है उसका पालन किया जाता है, लेकिन शहरी जिंदगी वहां पर चौराहा भी बड़ा मुश्किल होता है, चौराहे पर रोपा जाए और साथ ही उस समय को भी कई बार वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो क्या इनके अलावा, अगर मान लीजिए वो मुहूर्त निकल जाता है लेकिन होली का दहन करना है, परंपरा का हमारा हिस्सा है, कैसे उस फल को पाया जा सकता है अगर वो मुहूर्त निकल चुका है, और अगर मान लो चौराहा भी नहीं है तो कैसे उस किस मुहूर्त में और कैसे उस होली के डंडे को रोपा जाए? देखिए, होली का तो वैसे तो एक माह पूर्व ही होली के डंडे का रोपण होता है। जी होली से ठीक फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली होती है, उसे एक माह पूर्ण पहले माघ शुक्ल पूर्णिमा को डंडा रोपा जाता है, लेकिन जहां पर दंड नहीं रोपा गया है वहां होली से पहले ही उसी दिन प्रातः काल या मध्यान्ह में भी डंडा रोप सकते हैं। वैसा पूजन उसके रोप करके पूजन कर सकते हैं, और कभी आज की परिस्थितियों में तो यही एक विकल्प बचा है कि जिसमें सबको उसी दिन ज्यादातर शहरों में होली का डंडा बनाने लगे लगाने लगे, अन्यथा तो एक माह पूर्व होता था। अभी जो प्रमुख समस्या है मुहूर्त को लेके, जो डंडे रोपने का मुहूर्त इतना इम्पोर्टेंट नहीं, होली दहन सबसे इम्पोर्टेंट है, और होली दहन विवाद का विषय नहीं है, पर ये अनावश्यक ही विवाद हो गया, और फिर विद्वानों के आगे तो फिर बात ही अलग रहती है। जब विद्वान लोग एक मत हो जाए तो फिर विद्वान ही काय के हो गए, तो ऐसी स्थिति में निर्विवाद क्योंकि जी बिल्कुल, देखिए तर्क और वितर्क होना चाहिए, और शायद हमारा संपर्क उनसे कट गया है। जी और उत्तरी भाग, पूर्वी भाग और उत्तरी भाग, इन दोनों में पूर्वी भाग में 7 तारीख को होली का दहन हो सकता है, क्योंकि 2 दिन प्रदोष काल में रहेगी, 6:10 से उनको प्रदोष काल में पूर्णिमा मिल जाएगी, 6:10 से पहले वहां सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन भारत है जिसमें उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आदि आते हैं, महाराष्ट्र, तो इन प्रांतों में प्रदोष काल में दूसरे दिन प्रदोष पूर्णिमा नहीं रहेगी। दूसरे जब जब तिथि दो पूर्णिमा की तिथि और प्रतिपदा तिथि, इनमें जब प्रतिपदा तिथि का मान पूर्णिमा की तिथि मान से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रदोष काल में जो भद्रा रहने पर भी होली दहन श्रेष्ठ होता है, वो धूलि वेला में कर सकते हैं, 12 मिनट सूर्यास्त के बाद का दहन का है, सूर्यास्त के बाद 12 मिनट गोधूली वेला रहती है, और वैसे 2 घंटे 24 मिनट प्रदोष काल रहता है। इसमें होली का दहन आराम से किया जा सकता है। कुछ विद्वान जो कहते हैं कि होली का भद्रा को पूरी को त्याग कर मुहूर्त में हो, लेकिन जब पूर्णिमा से प्रतिपदा का मान कम होता है, जब जी चलिए मैं लौटूंगा आपके पास वापस, स्थिति उल्लंघन करके भद्रा जब जाती है। जी मैं लौटूंगा आपके पास एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। लेकिन आपने सही कहा कि शहरी लाइफ है, शहरी जिंदगी में अक्सर क्या होता है कि चौराहे पर अगर कोई काम करते हैं तो लोगों को भी बड़ी आपत्ति होती है, यातायात बाधित होता है, शहरी जिंदगी का एक बड़ा एक कष्ट भी है। लेकिन फिर भी इसका अगर पूरा पुण्य पाना है तो जैसा पंडित जी ने बताया कि आप उसी दिन सुबह भी होली का जो दंड होता है उसको रोप सकते हैं, और होलिका का जो दहन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो किस मुहूर्त में किस तरीके से किया जाए इसको ध्यान में रखा जाना जरूरी है, और किस तरह से पूजन कर सकते हैं होलिका दहन से पहले उसको लेकर क्या मान्यताएं हैं उन